दोस्तों कोर्सेजन करियर के एक और नया एक्साइटिंग एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे गेम डेवलपमेंट बिल्कुल फ्री में कैसे सीखें। मैंने आप लोग के लिए तीन बेस्ट फ्री कोर्सेज ढूंढ लिया है। इनमें से जो पहला फ्री कोर्स है वो IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। इन कोर्सेज और प्रैक्टिस की हेल्प से आप एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर बन सकते हो और अपना खुद का 2D 3D गेम बना सकते हो। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है क्योंकि बहुत ही डिटेल में गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। कौन होता है गेम डेवलपर, कैसे गेम बनता है, आजकल लड़के कैसे इंडिपेंडेंट गेम बनाकर फाइबर, अपवर्क, गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, कौन कौन सा स्किल्स सीखना होगा एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर बनने के लिए और उन स्किल्स को सीखने के लिए तीन बेस्ट फ्री कोर्सेज कौन कौन से हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के समय में इंडिया में 22 करोड़ गेमर्स हो गए हैं जो डेली एवरेज 1 घंटे टाइम स्पेंड करते ही हैं गेम खेलने में। ड्रीम 11, MPL, 99 गेम्स, EA, ऑक्ट्रो जैसे सैकड़ों गेम कंपनीज में अभी 23,000 गेमिंग बेस्ड जॉब ओपनिंग खाली है। नो डाउट इंडिया में भी गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। अब लड़के गेम खेलने के साथ साथ गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गेम खेलना इतना एक्साइटिंग है तो गेम बनाना और ज्यादा एक्साइटिंग होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअल गेम बनाने के पीछे कितना हार्ड वर्क, कितना डेडिकेशन और कितने स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। गेम डिजाइनिंग से लेकर गेम डेवलपमेंट तक आप गेम इंडस्ट्री में कई सारे फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे गेम डिजाइनर बन सकते हैं, गेम प्रोग्रामर जिसे गेम डेवलपर भी बोलते हैं, कैरेक्टर एनिमेटर, गेम प्ले, गेम आर्ट डिजाइनर, गेम स्क्रिप्ट राइटर, गेम टेस्टर, गेम मॉडलर, गेम म्यूजिशियन या साउंड इंजीनियर। लेकिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे गेम डेवलपर फ्री में कैसे बने और हम ये भी जानेंगे कि अकेले अपना खुद का गेम बनाने के लिए गेम आइडिया, गेम एसेट्स, गेम इंजन और गेम म्यूजिक फ्री में लेकर अपना पहला गेम कैसे प्रोग्राम कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल है गेम कैसे बनाया जाता है। तो एक्चुअल में दोस्तों बड़े बड़े गेम कंपनीज के गेम स्टूडियो में गेम बनाने के लिए सबसे पहले उनके गेम डिजाइनर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें वो वीडियो गेम के आइडिया को इमेजिन करके क्रिएट करते हैं, गेम रूल को डिफाइन करते हैं, गेम के कैरेक्टर्स, मैकेनिक्स, मतलब जब भी प्लेयर ऐसा खेलेगा तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे रिएक्ट करेगी, ये बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्शन होगा, UI UX एनिमेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। तो सारी गेम का प्लान एंड प्लॉट गेम डिजाइनर डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये डिजाइन डॉक्यूमेंट 3D आर्टिस्ट के पास जाता है। अब 3D आर्टिस्ट माया, एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से ग्राफिक डिजाइन, 3D मॉडलिंग करके गेम डिजाइन के अकॉर्डिंग गेम के कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्रिएट करता है जिसे हम गेम एसेट्स बोलते हैं। अब गेम एसेट्स बनने के बाद फाइनली काम आता है गेम प्रोग्रामर का जिसे हम गेम डेवलपर भी कहते हैं। गेम डेवलपर उन एसेट्स को यूज करके गेम डिजाइंस को ध्यान में रखते हुए एक्चुअल में वीडियो गेम क्रिएट करता है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर गेम डेवलपर गेम को बनाता कैसे है। तो गेम डेवलपर गेम इंजन का यूज करता है वीडियो गेम को बनाने के लिए। वो गेम इंजन में गेम एसेट्स को इंपोर्ट करता है और उन कैरेक्टर्स एलिमेंट्स में फंक्शनैलिटी देता है कि कैसे वो मूव करेंगे, कौन सा बटन प्रेस करने पर कैसे रिएक्ट करेंगे। इसके लिए वो इनपुट सिस्टम क्रिएट करता है, कैरेक्टर्स में फिजिक्स लगाता है, ग्रेविटी देता है। इन सब के अलावा वो वीडियो गेम के UI को भी क्रिएट करता है। वो उनमें बटन्स, आइकन, ऑप्शंस लगाता है कि कौन से बटन को प्रेस करने पर क्या होगा और फाइनली वीडियो गेम के लिए गेम प्ले क्रिएट करता है। इन सभी कामों को करने के लिए गेम डेवलपर C++ या C# जैसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है और प्रोग्रामिंग करते समय कभी कभी एरर्स भी आते हैं। फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स का भी यूज करना पड़ता है। दोस्तों जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं जैसे PUBG, Apex, GTA, इनके लिए गेम कंपनीज में कई गेम डेवलपर्स की एक टीम ही होती है जो अलग अलग गेम के पार्ट्स पर काम कर रही होती है। और इन बड़ी कंपनीज का खुद का अपना गेम इंजन होता है जैसे Unity 3D, Unreal इंजन, Godot जैसे कई पॉपुलर गेम इंजन। स्टार्टिंग में इन कंपनीज में गेम डेवलपर्स ही इन गेम इंजन्स को बनाते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये लाइन तो सुना ही होगा, वर्ल्ड बेस्ट प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में गेम प्रोग्रामर्स ही होते हैं। आपने 12th के मैथमेटिक्स, फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, वेक्टर, कोऑर्डिनेट, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन, इन सब का रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्चुअल में गेम बनाने वक्त देखने को मिलता है। इसीलिए गेम डेवलपर्स का जॉब काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें आपका ज्यादातर टाइम गेम इंजन में C++,
सी शार्प जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गेम प्रोग्रामिंग करने में जाता है। जिन लोगों का मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग वीक है या फिर उन्हें लंबे समय तक बैठकर प्रोग्रामिंग करना पसंद ही नहीं है, तो उन लोग को ये जॉब फ्रस्ट्रेटिंग भी लग सकती है। और जिन लोग को प्रोग्रामिंग, मैथ, फिजिक्स, क्रिएटिविटी पसंद है, उन लोग को ये जॉब बहुत अच्छी भी लग सकती है। इसीलिए अगर आप अपना फुल टाइम करियर ही बनाना चाहते हो गेमिंग फील्ड में, तो सोच समझ कर फील्ड चूज करना है, क्योंकि वीडियो गेम फील्ड में आने के लिए सिर्फ यही एक फील्ड नहीं है। इसके अलावा आप गेम रिलेटेड कई फील्ड में काम कर सकती हो, जैसे गेम डिजाइनर बन सकती हो, गेम स्क्रिप्ट राइटर, गेम आर्ट डिजाइनर, गेम म्यूजिशियन जैसे और भी फील्ड में जा सकती हो। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको एक ही डोमेन पे वर्क करना है। ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो मल्टीपल डोमेन पर भी काम करने में सक्षम होते हैं, बट आपका एक कोर डोमेन होना चाहिए। मैंने कई गेम डेवलपर्स, गेम आर्टिस्ट का इंटरव्यू देखा और पता चला इंडिया प्रमुख रूप से गेम आर्ट आउटसोर्स इंडस्ट्री है। इंडिया में ज्यादातर कंपनीज अदर कंट्री के गेम प्रोड्यूसर्स के लिए उनके डिजाइन्स के अकॉर्डिंग केवल गेम आर्ट्स बनाते हैं। गेम आर्ट्स मतलब जब भी हम गेम खेलते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हमें सुनाई देता है, जैसे एनिमल, व्हीकल, रोड, बैकग्राउंड, साउंड, कलर, टेक्सचर, ये सब के सब गेम आर्ट्स होते हैं। यानी इंडिया में गेम आर्ट फील्ड में आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। ओके, सब चलिए देखते हैं कि एक गेम डेवलपर कैसे बने, कौन कौन सा स्किल आना चाहिए और उन स्किल्स को कैसे फ्री में सीखना है। जो लोग भी 10th या 12th में हैं, गेम इंडस्ट्री में स्टार्टिंग से ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं। इंडिया में कई कॉलेजेस हैं जो ये सब कोर्सेज कराती हैं। एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर बनकर जॉब पाने के लिए बैचलर डिग्री यूजफुल हो सकती है। याद रहे दोस्तों, इस फील्ड में डिग्री से ज्यादा आपके स्किल लेवल, क्रिएटिविटी और लर्निंग एबिलिटी की वैल्यू की जाती है। बहुत से लोग बिना कोई डिग्री किए भी अपने स्किल और एक्सपीरियंस के दम पर आज अच्छी गेम कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। बट अगर आपके पास पैसा और टाइम है, तो आप बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हो। बट जो लोग नॉन टेकी हैं, 12th पास हैं, किसी दूसरे फील्ड में पढ़ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं बस फन, इंटरेस्ट और ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, तो वो लोग इन फ्री कोर्सेज की हेल्प से एक इंडिपेंडेंट गेम डेवलपर बन सकते हैं, जिसमें आप गेम आइडिया क्रिएट करने से लेकर खुद का गेम एसेट क्रिएट करना, फिर गेम इंजन में गेम को प्रोग्रामिंग करना, गेम प्ले तक आप अकेले कंप्लीट गेम बना सकते हैं। ओके, सो ये है वो स्किल्स जो एक गेम डेवलपर बनने के लिए आपको सीखना होगा। आइए इन स्किल्स को सीखने के लिए वन बाय वन करके फ्री कोर्सेज देखते हैं। नंबर वन, प्रोग्रामिंग। C++ या C# में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी नॉन टेकी लोग होंगे जिन्हें प्रोग्रामिंग क्या होता है पता नहीं होगा। देखिए, कंप्यूटर से कोई काम कराने के लिए हमें उसी के लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना होता है। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और हमें सही आउटपुट देता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर के किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करते हो, तो आप उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरा ये वाला फोल्डर खोल दो। अब वो चीज आपको फ्रंट के ऊपर दिख रही है कि आपने उस पर डबल क्लिक किया और वो फोल्डर आपको खोल के दे दिया। लेकिन इसके पीछे, यानी इसके बैकएंड पर, किसी प्रोग्रामर, कोडर, डेवलपर ने उसके ऊपर प्रोग्राम दिया होता है। एक लाइन ऑफ कोड लिखा होता है कि जब उसके ऊपर कोई ये डबल क्लिक डिटेक्ट हो, तो ये फोल्डर खोल दे। तो प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि आप कंप्यूटर के भाषा में इंस्ट्रक्शन लिखते हो जिसे कंप्यूटर समझ सके। कंप्यूटर एक बंद दिमाग का मशीन है जो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जिन लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जैसे C++, जावा, C#, PHP, जावास्क्रिप्ट, SQL, etc. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये दो लैंग्वेज होते हैं जो मेनली गेम बनाने के लिए यूज होते हैं, C++, C#। दोस्तों, बाकी लैंग्वेज भी गेम बनाने के लिए यूज होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बट C++, C#, ये दो लैंग्वेज ज्यादा यूज होने का एक रीजन ये भी है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है ही, साथ में जो पॉपुलर गेम इंजन है जैसे यूनिटी 3D, अनरियल इंजन, ये दो ऐसे इंजन है जो इन दोनों लैंग्वेज पे क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम बनाने का ऑप्शन देते हैं। आपका गेम एंड्रॉयड, iOS, विंडोज, Xbox, PlayStation पर भी चल सकता है। तो गेम डेवलपर बनने के लिए जो पहला बेसिक स्किल है, वो है C++ या C#, दोनों में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। C++ से स्टार्ट करते हो तो आपका फाउंडेशन बन जाएगा और आगे आप इजिली C# भी सीख सकते हो। ओके, सो आप C/C# सीखने के लिए स्वयं का ये फ्री कोर्स कर सकते हो। आप हिंदी लैंग्वेज में है ये कोर्स, IIT बॉम्बे की तरफ से है,
प्रोफेसर कनन के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, इस कोर्स में 20 ऑडियो वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल शामिल है जिसके उपयोग से आप C, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से स्वयं ही सीख सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 स्वयं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ई लर्निंग पोर्टल है। इस कोर्स को पाने के लिए swam.gov.in के होम पेज पर जाएं और सर्च बॉक्स में सर्च करें हिंदी। ध्यान रहे केवल आपको हिंदी ही सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये फ्री कोर्स आ जाएगा, C++ हिंदी। 12 वीक का ये कोर्स है, आप देख सकते हैं IIT बॉम्बे के द्वारा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर एब्जेट फैक्ट के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग जरूर कर लें। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्री कोर्सेज, करियर रिलेटेड आर्टिकल्स, ई बुक्स, रेगुलर पोस्ट होते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब जो लोग C++ इंग्लिश में सीखना चाहते हैं वो लोग न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का ये फ्री कोर्स कर सकते हैं, एडवांस प्रोग्रामिंग इन C++। ये कोर्स आपको edx.org पर मिल जाएगा। ये भी टॉप नॉच कोर्स है। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसा आप जानते ही होंगे edx से फ्री में पूरा कोर्स एक्सेस करके सीख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट का पैसा लगता है। सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो आपको इतना पे करना होगा, और आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये स्किल फ्री में सीख लो और ये स्किल ही काफी है, सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही सीसा फ्री में सीखने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है YouTube। बस YouTube के सर्च बॉक्स में जाओ और सर्च करो सीसा फुल कोर्स। जैसे आप ये कीवर्ड सर्च करोगे तो आपके सामने कई फ्री कोर्सेज आ जाएंगे, 10 से भी ज्यादा। आपको जो अच्छा लगे वहां से आप सीसाफ सीख सकते हो। तो इस तरह हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ या सीसाफ कैसे फ्री में सीखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। नंबर 2, गेम इंजन। प्रोग्रामिंग सीखने के बाद नेक्स्ट आप गेम इंजन सीखो। गेम इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेवलपर का कोड उसके इंस्ट्रक्शन को समझकर गेम एसेट एलिमेंट में फंक्शनैलिटी देता है। इन गेम इंजन के अंदर कई प्लगइन्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप कैरेक्टर्स में AI, ग्रेविटी, मोशन लगाकर गेम को देख सकते हो। मार्केट में कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे गेम इंजन बनाई हुई हैं, जिनमें कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। बस फ्री में आपको ये दो टॉप में दिखेंगे, पहला अनरियल इंजन, दूसरा यूनिटी 3D। इनमें से कोई एक सीख सकते हो। कुछ गेम एक्सपर्ट्स के अनुसार बेटर यही रहेगा कि यूनिटी 3D सीखो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन वहीं पर अनरियल इंजन सीखते हो तो इसमें 5% की रॉयल्टी भी देनी पड़ सकती है जब आप अपना गेम लॉन्च करोगे। सो यूनिटी बिल्कुल फ्री है और ये आइडियल गेम्स यानी सिंपल 2D 3D स्मार्टफोन्स गेम्स के लिए काफी पॉपुलर है। यूनिटी सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, यानी आपको यूनिटी गेम इंजन में सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गेम प्रोग्राम करना होगा। गेम प्रोग्रामिंग काफी यूज होती है, इसको सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, यूनिटी के ऑफिशियल साइट पर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पूरे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, उनकी हेल्प से आप प्रोग्रामिंग जल्दी सीख जाओगे। अब यूनिटी 3D सीखने के लिए यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निका का ये फ्री कोर्स कर सकते हो, इंट्रोडक्शन टू वीडियो गेम डेवलपमेंट विथ यूनिटी। ये कोर्स edx.org पर अवेलेबल है। ये 6 वीक का कोर्स है जिसमें 23 से 24 घंटों का कंटेंट मिलेगा। वैसे ही अनरियल इंजन फ्री में सीखने के लिए RIT यूनिवर्सिटी का ये फ्री कोर्स देख सकते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विथ अनरियल इंजन। इसमें भी आपको 28-30 घंटों का कोर्स कंटेंट मिलेगा जिसकी हेल्प से आप अनरियल इंजन में गेम डेवलप करना सीख सकते हो। इन दोनों कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, गेम इंजन सीखने के लिए EDX के ये दोनों कोर्सेज तो इंग्लिश में थे, लेकिन जो लोग हिंदी में इन दोनों इंजन को सीखना चाहते हैं उनके लिए अगेन जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। YouTube पर आपको यूनिटी और अनरियल दोनों के फुल ट्यूटोरियल मिल जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में, जिनकी हेल्प से आप इन दोनों इंजन्स को सीख सकते हो। ओके, सो प्रोग्रामिंग और गेम इंजन सीखने के बाद नंबर 3 पे है गेम एसेट्स। आप अकेले कंप्लीट गेम बनाने वाले हो तो आपको अपने गेम के लिए गेम एसेट्स भी चाहिए, और गेम एसेट्स आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर यूनिटी के एसेट्स स्टोर से भी बने बनाए गेम एसेट्स डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने गेम के लिए खुद से अपने हिसाब से डिजाइन करके क्रिएट करना चाहते हो गेम एसेट्स, तो 2D के लिए फोटोशॉप सीख लो और 3D एसेट्स बनाने के लिए ब्लेंडर सीखना होगा। फोटोशॉप तो सबको आता ही है और ये सीखनी ही चाहिए, बहुत ही यूजफुल स्किल है। लेकिन अगर आप ब्लेंडर भी सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। ब्लेंडर एक फ्री टूल है, आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ये दोनों टूल फोटोशॉप और ब्लेंडर आप यूट्यूब से सीख सकते हो। नंबर 4, ऑडियो। आपके गेम के लिए अच्छी ऑडियो भी चाहिए।
तो इसके लिए जो बेस्ट साइट है वो है freesounds.org। यहाँ से आप नो कॉपीराइट रॉयल्टी फ्री म्यूजिक हर तरह के साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने गेम में यूज कर सकते हैं। अभी तक इस वीडियो में मैंने जितने भी फ्री कोर्सेज दिखाया है, चाहे वो स्वयं का हो, EDX का हो, YouTube का हो या फिर ये वेबसाइट हो, सबका लिंक आपको एब्जर्ट फैक्ट के टेलीग्राम चैनल पर एक ही पोस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ये तो थे वो स्किल्स जो आपको सीखना होगा गेम बनाने के लिए। हमने ये भी देख लिया गेम एसेट और फ्री म्यूजिक भी कैसे मिलेगा आपको। अब मैं आपको 3 टिप्स बताने जा रहा हूँ जो मैंने कुछ बेस्ट गेम फोरम से कलेक्ट किया है। नंबर 1, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या सीख रहे हो और आप कहीं फंस जाते हो, कोई डाउट पूछना है तो कई ऑनलाइन फोरम्स हैं, वहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकती हो। आपको 30 मिनट्स 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के अंदर आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट आंसर दे ही देगा, जैसे stackoverflow.com, ये भी एक काफी अच्छी फोरम है। नंबर 2, शुरू में सिंपल गेम बनाना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में ही बहुत सारी गेम्स नहीं बनानी है। 6 मंथ में अगर आप 1-2 भी बनाते हो तो इतना बहुत है। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फीचर आप अपने वीडियो गेम में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। नंबर 3, जो भी गेमिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे अपडेट होते रहो। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में हमने जाना गेम कैसे बनाया जाता है, गेम डेवलपर क्या करता है, और लास्ट में हमने देखा गेम डेवलपर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स आनी चाहिए और उन्हें फ्री में कैसे सीखना है। ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने गेम डेवलपर्स, आर्टिस्ट के इंटरव्यूज, ऑनलाइन फोरम्स और गूगल की हेल्प से कलेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक नया यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।